आज एकीकृत महासंघ के बैनर पे हमने राजस्थान के जो पुलिस कर्मचारी है उनकी मांगों को के लिए ज्ञापन दिया है। उनकी 8 सूत्री मांग पत्र है जो हमने जिला कलेक्टर महोदय और SP साहब के माध्यम से राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान के गृह मंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया। उनकी मेन मांगे जो है उसके अंदर यह है कि विगत 5 साल से पुलिस कर्मचारियों के हर कैडर की DPC नहीं हो रही है। तो हम चाहते हैं कि महासंघ ने मांग की है कि उनकी पदोन्नतियाँ, जब एक तरफ सरकार कह रही है कि हर वर्ष की जाए पदोन्नति, तो 5-5 साल से एक पुलिस कर्मचारी की पदोन्नति रुकी हुई है, उसको तत्काल प्रभाव से पदोन्नति दी जाए। दूसरा, पदोन्नति दोगे तो आप पद खाली होंगे और पद खाली होंगे तो नई भर्ती होगी और नई भर्ती होगी तो रोजगार मिलेगा, तो ये भी हमारी डिमांड है। दूसरा, हमारे पुलिस कर्मचारियों के साप्ताहिक अवकाश की घोषणा सरकार ने की थी, उसको साप्ताहिक अवकाश को बंद कर दिया है, तो हमने कहा कि भाई इस साप्ताहिक अवकाश को वापस चालू किया जाए। एक, हमारे पुलिस कर्मचारियों के जो भी भत्ते हैं वो यथावत रूप से पहले के पुरानी पद्धति पे चल रहे हैं, तो उनको नई पद्धति के ऊपर मेस भत्ता और अपने ग्रामीण भत्ता और आपके ये जो वाहन भत्ता है ये दिया जाए। एक, हमारे पुलिस कर्मचारी जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उनको जो HR है जो उनका मकान किराया बता है वो शहरी क्षेत्र में 20% मिलता है, तो हमने मांग करी है कि 10% से 15% उनको दिया जाए। और एक, अजमेर के अंदर जीर्ण शीर्ण अवस्था के अंदर और पूरे राजस्थान में जो पुलिस के क्वार्टर्स है वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े हैं, तो हमने मांग करी है कि अजमेर के अंदर पुलिस कर्मचारियों के लिए वापस से बजट अलॉटमेंट होके और एक नई कॉलोनी बने उनके लिए। और एक, अजमेर के अंदर महिला पुलिस एकेडमी की मांग करी है महासंघ ने। तो ये हमारी 8 सूत्री मांग पत्र था जो हमने कलेक्टर साहब के और पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्फत महासंघ के पदाधिकारियों ने मिलके सभी ने और जाके कलेक्टर साहब को और SP साहब को ज्ञापन दिया। Pizza Point, Kangor, for delicious moments.